अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पर आपको दिखेंगे ये स्टैक किए हुए लेटराइट स्टोन है जिससे हम लोग का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बांधकाम होता है। और इनको हैंडलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका डायमेंशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक 14 to 15 inch होता है। ये होता है 7 inch और ये 9 inch होता है। तो इसका प्रॉब्लम इसका वेट है कि ये एक स्टोन है, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 25 to 35 kg के बीच में होता है, डिपेंड करता है क्वेरी के ऊपर। जैसे ये है, ये थोड़ा सा लाइट वेट है, ये थोड़ा हैवी है। तो नॉर्मली इनको उठाते हैं कुछ इस तरह और उससे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और थोड़ा सा स्ट्रेन आता है हाथ के ऊपर। तो मुझे एक डिवाइस बनाना है जिससे इसको हैंडलिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो शुरू करते हैं वर्कशॉप में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट से। ये वो पाइप है जिसे मुझे हैंडल बनाना है। इसका डायमेंशन 1/2 inch है। सबसे पहले जो स्टोन की लेंथ है वो थोड़ी सी वेरिएट करती है, जैसे 14 से 15 inch, 15 inch। तो इसका कहीं सेंटर ही लेके चलूँगा मैं, तो वो यहाँ पर हो गया 5 inch। ये चारों पीसेस कट हो गए और अब मुझे करना है यहाँ पर इसको कट करके 45 डिग्री में बेंड करके 90 डिग्री एंगल बनाकर वेल्डिंग करनी है। ये कुछ इस तरफ 45 डिग्री के अंदर वेल्ड हो जाएगा, बाकी सब कट करके रेडी कर देता हूँ मैं। तो ये चारों पीस 90 डिग्री के अंदर कट हो गए और अब मुझे इसके अंदर वेल्डिंग करनी है। और ये कुछ इस तरह लगेगा, जैसे ये जो मेंबर है एल शेप में वो एक यहाँ लगेगा। इसका एंगल मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पर एक पीस कट करके मुझे ऐसे फिक्स करना है जिसके अंदर से नेल फिक्स करूंगा मैं। तो जब इसको लिफ्ट करेगी ऊपर तब ये पिवट पॉइंट की तरह काम करेगा और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर उसके खुद के लोड से टाइट हो जाएगी। तो अब वेल्डिंग करते स्टार्ट। तो ये वेल्डिंग हो गए हैं सारे पीसेस और ये कुछ इस तरह असेंबली में लगेंगे। इनकी क्लीनिंग बाकी है, क्लीनिंग जब फाइनल वेल्डिंग हो जाएगी क्लीनिंग भी कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे होल करना है और होल के अंदर मुझे ये नेल डालनी है जो कि ऊपर से भी वेल्ड हो जाएगी और पीछे से भी वेल्ड हो जाएगी, तो उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे। और अब यहाँ पर होल कर देते हैं। अब इन दोनों पीसेस को वेल्ड कर देता हूँ, कटिंग करेंगे और फिर क्लीनिंग कर देंगे। पेंटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर पेंट करते हैं। पेंट फाइनल हो गया है और अब जाते हैं सीधा साइट के ऊपर। चलिए, वर्कशॉप से हम लोग आ गए हैं साइट के ऊपर और ये दोनों चीज़ें साथ में हैं। तो अब ट्राई करते हैं कि कैसा इफेक्टिव है कि नहीं। तो मैं दे देता हूँ हमारे असलम भाई को। ट्रेडिशनल मेथड से एट ए टाइम एक पत्थर उठा सकते हैं जिससे हाथों में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, और इस क्लैंप के ज़रिए एक साथ में दो पत्थर वो भी इजीली उठा सकते हैं। दोनों का डिफरेंस है कि अगर यहाँ से उठा रहे और हाथ से उठा रहे तो कैसे होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम वालेकुम। वैसे आप सोच रहे होगे कि हाथ गाड़ी में भी काम हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अनइवन सरफेस होने की वजह से हैंडलिंग थोड़ा सा और मुश्किल हो जाती है।